हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार है। आप देख रहे हैं भारत मोबिलिटी और आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है क्योंकि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये ई रिक्शा है, ये ई लोडर है, ये ऐसे। आज हम आ गए हैं ईवा ई रिक्शा के मैन्युफैक्चरर पे, ट्रू मैन्युफैक्चरर। एक एक पार्ट ये खुद बनाते हैं, इन्होंने हमसे दावा किया है कि एक एक पार्ट ये खुद बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि एक पार्ट खुद बनाते हैं कि नहीं और सारी चीज़ें इनकी एक एक छोटी से छोटी चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलिए ई रिक्शा के पास चलते हैं। ये ईवा का ई रिक्शा है, इसकी वीडियो आप देख लेंगे। और ये रंजन जैन सर हैं, ये यहाँ के ऑनर हैं। और सर बहुत बहुत अच्छा लगा हम आप हमारे चैनल में आए, सबसे बड़ी बात। और हमें ये बताइए कि आपका ये जो ईवा ई रिक्शा है ये कहाँ कहाँ है और कब से चल रहा है आपका ये? सर ये हमारा जो है बिहार, झारखंड, आसाम, इस साइड तेलंगाना और अच्छा। यूपी बेल्ट पे, मतलब आपने नॉर्थ ईस्ट थोड़ी सी दिल्ली कवर कर रखा है जी। अच्छा, आप बताएंगे, जैसे कि मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, आपने बोला था मेरे को कि यहाँ पे सब कुछ आप खुद बनाते हैं, तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें दिखाएंगे कि आप क्या क्या बनाते हैं? ओके, आइए मैं स्टार्टिंग दिखाता हूँ आपको। वेल्डिंग आइए, ये देखिए बन रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मेजर करके बना रहे हैं कि मेजर कर रहे हैं, उससे वेल्डिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ वेल्डिंग हो रही है, मतलब आप वेल्डिंग भी खुद करते हैं? सारे पार्ट्स आप खुद बनाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर रिक्शे वाले होते हैं वो असेंबल करते हैं। ये देखिए, ये इनका यहाँ मैन्युफैक्चर, ये पूरा ये सारे लोहा सब खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो देखिए यहाँ से लेकर, ये देखिए पूरा ये इन्होंने खुद ही बनाते हैं, मतलब ये देखिए यहाँ पे सारे पार्ट्स खुद बना रहे हैं, सारे ए टू जेड पार्ट्स खुद बना रहे हैं। और ये ट्रू सेंस में मैन्युफैक्चरर हैं ये लोहे। ई रिक्शा का आपका पीछे का कार्गो बॉक्स है, पीछे का ई रिक्शा का ही कार्गो, उसके अंदर पूरी सपोर्टिंग दी है। बाकी अगर आप किसी भी ई रिक्शे में देखोगे कोई इतनी सपोर्ट नहीं देता है। अच्छा, यहाँ सपोर्ट है पूरा, सपोर्ट पूरी दे रखी है अच्छी तरीके से। अच्छा, हर तरीके से डाले में कहीं भी कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आएगी आपको कभी भी। ये ई लोडर का है ना जी? ई लोडर का डाला है ये। अच्छा, ये पिक्चर है। और वो क्या आप ई रिक्शा का है? वो पैसेंजर रिक्शा हमारी बन रही है। अच्छा, ये पैसेंजर रिक्शा का फ्रेम है। अच्छा, पैसेंजर रिक्शा का यहाँ पे फ्रेम बना रखा है, पैसेंजर रिक्शा बन रही है, बन रहा है अभी ये। अच्छा, ये पूरा आगे का बेस है, ये यहाँ पे कंट्रोल कन्वर्टर आता है ये रहा। और ये इधर बैटरी बॉक्स है पीछे का, और यहाँ पे आगे ड्राइवर बॉक्स आता है। अच्छा, ये चेसिस देखिए, खुद चेसिस पूरे खुद बना रहे हैं ये। और वेल्ड देखिए, अभी आप वेल्ड भी हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से। और ये चेसिस यहाँ तक पूरा हो रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ई रिक्शा की रूफ बन गई है। अच्छा, ये ई रिक्शा का जो ऊपर का टॉप होता है, ये टॉप हाँ, फ्रेम टॉप होता है, ये टॉप फ्रेम है। तो ये पूरा वेल्ड करके इसको बना रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा एसिड टैंक है जिससे रस्टिंग वगैरह सब कुछ इसमें हट जाती है, जो भी रस्टिंग होती है। अच्छा, मतलब आप पहले उसको वेल्ड करते हैं, पूरा बनाते हैं उसको, उसके बाद इसमें डाल देते हैं कि जो भी रस्ट हो रखा है होता है वो सारा क्लीन हो जाता है। बिल्कुल अच्छा, क्लीन होकर यहाँ से निकलता है, बिल्कुल क्लीन हो, मतलब जो भी यहाँ पे जिस आपका रेस्ट लगा हुआ है पूरा यहाँ पे पूरी रस्टिंग क्लीन हो जाता है। ये अगर आपको बताओ, ये एसिड किस चीज़ का एसिड है, क्या क्या है इसमें? ये इसमें 3-in-1 केमिकल है, फॉस्फेटिंग बोलते हैं बेसिकली। अच्छा, फॉस्फेट बोलते हैं इसे। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब रस्टिंग पूरा क्लियर हो जाता है, उसके बाद ही जाके पेंट होता है, उसके बाद में ही पेंट होता है, पेंट होता है। चलिए, तो अब हमने देख लिया पहले बेस तैयार होने का कैसे होता है, सब आप देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि पेंट कहाँ होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे रस्टिंग पूरा हटा दिया गया, ये देखिए सारा ये रस्ट हटा के रखा गया सब। अब आगे चलते हैं, ये देखिए इस साइड यहाँ पे वो पेंट कर रहे हैं बिल्कुल, ये देखिए पेंट हो रहा है, पेंट सेक्शन है, ये पेंट सेक्शन है। ये देखिए पाउडर कोटेड पेंट होता है पूरा। अच्छा, पहले पाउडर हो रहा है। हाँ जी, उसके बाद क्या होगा? फिर मिट्टी में प्रॉपर होकर इस तरीके से निकलेगा आपका, आपको दिखाता हूँ। ये पहले पाउडर होगा इस तरीके से, उसके बाद में ये फिर ऐसे फिनिश में आएगा। अच्छा, पाउडर होके फिर उस भट्टी में जाएगा, जाएगा फिर उस ऐसे फिनिश होके निकलेगा। अच्छा, ये हो चुका है बिल्कुल बढ़िया सा। ये देखिए, ये पहले पाउडर करेंगे जैसे कि कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पहले पाउडर देख रहे हैं आप। ये पाउडर होगा, उसके बाद ये पूरा जो है ये अंदर जाएगा भट्टी में, ये देखिए ये भट्टी है,
यहाँ पे इसको हीटअप करेंगे और हीटअप करके ये जो पूरा फिनिश दिख रहा है आपको, यहाँ पूरा फिनिश पेंट दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे हो जाएगा ये बढ़िया से। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने सारे पार्ट जो फिनिश करके रखे हुए हैं। ये हमारी लोडर की चेसिस है, ये सिंगल वेंट पाइप में है, ये देखिए ऊपर से लेके विदाउट जॉइंटलेस चेसिस है, ये देखिए यहाँ पे पूरा चेसिस रखा हुआ ऊपर से, ये पूरी जॉइंटलेस चेसिस है बिल्कुल, जो कई जॉइंट पूरी स्टैंड गाड़ी की बनी रहती है। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि जितने ज़्यादा जॉइंट हो उतने ज़्यादा मजबूती में कमजोरी आएगी, लेकिन यहाँ पे आप पूरे देखिए पूरे चेसिस सिंगल में है, कहीं भी मुड़ा हुआ नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वेजिटेबल कार्ड है, अभी हम आपको पूरी फिनिश करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे वेजिटेबल कार्ड को। ये वेजिटेबल कार्ड है आपकी? हाँ जी, ये अभी मैं आपको दोबारा इसको पूरा फिनिश करके अभी और दिखाएंगे इसको, ये वेजिटेबल कार्ट है। अच्छा, यहाँ पे वेजिटेबल सब रख सकते हैं सब? ठीक है, तो ये भी मतलब आपका है पूरा ये, और ये आईकेड अप्रूव है? यस आईकेड अप्रूव है, आईकेड अप्रूव है पूरा ये। तो इसमें कितना मतलब कितनी लोडिंग कर सकते हैं इसमें? आप इसमें 500-600 किलो लोडिंग कर सकते हैं, 500-600 किलो इसमें लोडिंग हो जाता है। अच्छा, और ये देखिए यहाँ पे पूरा इनका पेंट हुआ, ये ई रिक्शा की रूफ है, पेंटेड रूफ है ये, जो जैसे पूरा प्रोसेस होके हाँ, ये लोडर की रूफ है, पेंट हुई है, ये लोडर की रूफ है, ये ई रिक्शा की रूफ है, और हर कलर में जिस कलर में आपको चाहोगे, ये देखिए यहाँ पे ब्लू ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन हर कलर जिस कलर का आप बोलोगे, जिस डिज़ाइन का बोलोगे, हर डिज़ाइन का हर चीज़ में आपको मिल जाएगा। ये हमारी पूरी रिक्शा की बॉडी है, ये पूरी देखिए बॉडी यहाँ पे पूरी कंप्लीट है, वेल्ड होके ऐसे फिनिश होके, ये रेड कलर और ये आपका मिलिट्री ग्रीन कलर, ये मिलिट्री ग्रीन कलर, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है मिलिट्री ग्रीन कलर, और ये देखिए ये मिलिट्री ग्रीन कलर है यहाँ पर, और बिल्कुल फिनिश्ड हो रखा है बिल्कुल बढ़िया से। ये आपकी बैकरेस्ट है, रिक्शा की बैकरेस्ट है। अच्छा, ये बैकरेस्ट है पूरी, ये सारी लोहे की बैकरेस्ट है। आप एल्युमिनियम में भी बनाते हैं? एल्युमिनियम में नहीं है, स्टील में है, मैं आपको स्टील में। ये आपका लोडर का डाल है पीछे के कार्गो बॉक्स, लोडर का जो हमने वहाँ पे देख रहे थे, जो ये फिनिश होके आ गया, ये फिनिश हो गया, जो आप पीछे आपने पहले देखा वेल्ड हो रहा था वो यहाँ पर पूरा फिनिश होके आ चुका है। तो ये देखिए पूरा चारों तरफ से बिल्कुल बढ़िया है, अलग अलग कलर में है और हर डिज़ाइन का आपको ये मिल जाता है। अब आपको दिखाता हूँ, ये असेंबलिंग यूनिट है हमारी, असेंबलिंग हो रही है यहाँ पे, ये ई रिक्शा असेंबल कर रहे हैं। ये देखिए सीट फिट हो रही है, सीट फिट हो रही है। अच्छा, ये सीट भी आप खुद बनाती हैं? नहीं, सीट हमारी बाहर से आती है, हम खाली फिट करते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब सीट तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी मेन चीज़ें होती हैं लोहे की, वो आप खुद वो बनाते हैं, हमारी खुद ही बनती है। तो मजबूती क्या आएगी, कैसा क्या आएगा, सब आपका खुद का होता है। जी जी जी, ये देखिए ये सीट्स यहाँ पे लगा रहे हैं हर जगह। और यहाँ पे ये भैया मतलब एक ही रिक्शे में इतने सारे लोग लगे हुए हैं कि हर जगह से इसका काम हो रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? इसकी वायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, वायरिंग हो रही है यहाँ पर, ये चलिए यहाँ पे तार लग रहा है, और ये आपका यहाँ पे हेडलाइट आने वाली है। तो ये एलईडी हेडलाइट रहती है क्या हेलोजन? एलईडी हेडलाइट रहती है, एलईडी रहती है। एलईडी बहुत बढ़िया होती है, कि आज के टाइम में बैटरी बहुत कंज्यूम होती करता है हेलोजन लाइट, जो कि एलईडी आपको सही कर देता है। ये नीचे इसके पूरे इलेक्ट्रिक पार्ट लगते हैं, यहाँ पे सारा पार्ट लगता है, इलेक्ट्रिक पार्ट लगा है, अभी फिट हुआ नहीं है। यहाँ पे आपका सारा कंट्रोलर कन्वर्टर आएगा, जो कि आपकी मेन वीडियो आएगी, आई बटन पे आ रहा होगा, वीडियो देख लीजिए। और ये देखिए यहाँ पे इसके हैंडल रखे हुए हैं, और अच्छे खासे ठीक मजबूत हैंडल है देखने में। ये सब आपका यहाँ पे आपका सब मेजरिंग हो रहा है? हाँ, ये पूरा बंद है कार्गो बॉक्स चढ़ी, वो देखो वो चेसिस वहाँ से रेडी होके आ रही है, ये ई रिक्शे की लोडर की चेसिस है, जो ना आपको ये खुली आ गई, अब ये पेंट होगी। यहाँ पे आपकी बैटरी रखा जाएगा? यहाँ पे ये पूरा बैटरी रखा जाएगा, और ये सिंगल बैंड पाइप है जैसे मैंने आपको बताया था। ये भी देखिए, ये पूरा शॉक टेस्टेड सब सिंगल बैंडेड पाइप, पूरा जॉइंटलेस है, कहीं पे भी कोई आपको जुड़ाव नहीं दिख रहा है आपको। ये पूरी नीचे की हमारी चेसिस है, ये कार्गो बॉक्स है, ये हमारा कार्गो बॉक्स है, ये डाला जो होता है आपका। ठीक ठीक, ये आपके डाला, इसका साइज क्या होगा? साइज एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम बना देते हैं, वैसे इसका 42x62 का होता है, जो आई गेट अप्रूव्ड है। अच्छा, तो आप क्लोज में भी बनाते हैं? क्लोज बॉडी पर भी बनाते हैं, जिसका आप देखिए सैंपल ये रखा है। अच्छा, क्लोज बॉडी है,
ये अभी फिटिंग होनी है, ये क्लोज बॉडी में है। तो सर और कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारी बैटरी भी एक्साइड की लगती है, एक्साइड का स्टॉक लगा हुआ है। एक्साइड का, एक्साइड की बैटरी लगती है इसकी। आप वारंटी कितने महीने देते हैं? वारंटी 6 months एंड वन ईयर, मतलब वो पैसों के हिसाब से जितना। एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। और ये चार्ज कितने देर में हो जाती है? ये चार्ज हो जाती है आपकी 7 से 8 घंटे के अंदर। 7 से 8 घंटे में चार्ज जाती है। और एक चार्ज में कितने किलोमीटर चल जाती है? एक चार्ज में 80 to 90 किलोमीटर चल जाती है। 80 to 90 किलोमीटर चल जाती है। अच्छा हमें ये बताइए, जैसे बहुत सारी कंपनी रिक्शे हैं वो ईस्टमैन की ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सर हम ईस्टमैन भी यूज़ करते हैं, एक्साइड भी करते हैं। एक्साइड एक जाना माना ब्रांड है। अच्छा, मतलब अगर कोई भी कस्टमर आएगा कहेगा मेरे को ईस्टमैन का लगाना, ईस्टमैन भी हम लगा देंगे। जिस कंपनी की बोलेगा उस कंपनी की आप लगा देंगे। चलिए, तो अगर आपने देख लिया कि यहाँ पे आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही देखिए, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ पे पेंट आपको, वेल्डिंग सब कुछ यहाँ पे होता है। तो अगर आपको यहाँ पे लेना है, आपको इधर डायरेक्ट आइए और आप देख के जाइए कि कितनी मजबूती से यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, कितनी मजबूती से यहाँ पर सारा काम हो रहा है। और आपको बिल्कुल, आप एक तरह से विश्वास हो जाएगा कि भाई आपका बिल्कुल सब बरत। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी अगर कमी आती है, क्योंकि ये तो खुद कह रहे कमी नहीं आएगी, लेकिन अगर कमी आती है तो क्योंकि इन्होंने खुद ही सब कुछ मैन्युफैक्चर किया, तो कोई भी कमी आएगी वो खुद सही करके दे देंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अगर ये नई तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और भैया का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे भी आ रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करके ये ईवा का रिक्शा लेने आ सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पैर हम वैसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।